हेलो दोस्तों, टेकीडेब में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, Realme X7 हाल ही में लॉन्च हुआ है, उसका मार्च महीने का अपडेट भी आ गया था, लेकिन फिर से Realme X7 का एक और मार्च महीने का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है आज से। तो अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे आपको मार्च महीने की सेकेंड सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में जानकारी मिलेगा, क्या कुछ चेंज लॉग है, कब से आपको अपडेट मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि Realme अपडेट के ऊपर वीडियो मेरे चैनल में आपको हमेशा देखने को मिलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च महीने का एक और Realme X7 का OTA अपडेट आ चुका है और चेंज लॉग भी सामने आ चुका है। तो Realme अपडेट में क्या होता है आपको शायद मालूम ही होगा कि Realme जब भी कोई अपडेट पुश आउट करता है, फास्ट फेज में कुछ लिमिटेड रैंडम यूज़र को अपडेट मिलता है टेस्टिंग पर्पस के लिए। अगर इस अपडेट में कोई भी क्रिटिकल बग्स देखने को नहीं मिलता, देन सबके लिए अपडेट को अवेलेबल किया जाता है। इसके लिए 5-7 दिन टाइम लग जाता है। तो अगर आपको OTA के थ्रू अभी तक अपडेट नहीं मिला है Realme X7 की सेकेंड अपडेट जो कि है मार्च महीने का, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अब चलिए यहाँ पे वर्सन के बारे में जान लेते हैं। तो Realme X7 का ये जो नया अपडेट है, इसका वर्सन यहाँ पे आप देख सकते हैं 11A.16। अब चलिए चेंज लॉग के बारे में जान लेते हैं, क्या कुछ चेंज लॉग आपको Realme X7 की इस अपडेट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो है सिक्योरिटी के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा मार्च महीने का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल, मतलब 5 मार्च 2021 की यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलेगा। उसके बाद कैमरा के अंदर कुछ अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैमरा में आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हो तो कभी कभार फोकस फ्लो डिटेक्ट करता था, उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। नेटवर्क के अंदर क्या है, नेटवर्क के अंदर नेटवर्क स्टेबिलिटी को यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इससे क्या होगा, आपका नेटवर्क और भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सिस्टम के अंदर कुछ लैगिंग इशू शायद आपको देखने को मिलता था, अगर आप होम में जाके रिसेंट ऐप में टैप करते हो तो कभी कभार वो लैगिंग करता था, उसे यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और सिस्टम स्टेबिलिटी को भी यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ किया गया है। तो आप देख सकते हैं Realme X7 की मार्च महीने की सेकेंड अपडेट में बहुत कुछ बग्स को फिक्स किया गया है। तो अगर आपको OTA के थ्रू अभी तक मार्च महीने की सेकेंड अपडेट नहीं मिला है तो आप वेट कीजिए, बहुत ही जल्द 5-7 दिन के अंदर आपको OTA के थ्रू अपडेट मिल जाएगा। और अगर आप मैनुअल अपडेट करना चाहते हैं लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनुअल अपडेट अभी तक यहाँ पे लिस्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी भी शो कर रहा है 11A.15 का। लेकिन जब यहाँ पे मैनुअल अपडेट के लिस्ट में अपडेट आ जाएगा, मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन मैनुअल अपडेट में क्या होता है आपको शायद मालूम ही होगा, मैनुअल अपडेट में आपको पूरा रोमी डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन इसी अपडेट को अगर आपको OTA के थ्रू मिल जाता है, 200 MB, 300 MB या फिर 400 MB का डेटा खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा सजेशन है कि आप OTA के लिए वेट कीजिए। मैनुअल अपडेट अगर अभी जाता है तो मैनुअल अपडेट मत कीजिए, OTA के लिए वेट कीजिए। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना, अगर आपके पास Realme X7 डिवाइस है, आपको OTA के थ्रू मार्च महीने की सेकेंड अपडेट मिल चुका है या फिर अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।